पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा बनाओ अभियान जो रणधीर सिंह बदरान ने शुरू किया उसको काफ़ी समर्थन मिल रहा है और कई दिग्गज इनके समर्थन में आ रहे हैं। पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं हरियाणा सरकार के एसटी चौधरी जी यहां पर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। चौधरी साहब स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। धन्यवाद चौधरी साहब। जिस प्रकार से हरियाणा की अलग राजधानी अलग हाई मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहती है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली से। सानू गरीबों का जीवन का स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पद्धर किवें चक सकते हैं, ये साडियां प्रायोरिटीज़ ने। मेरे ते यकीन तुसी कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुट्टन नहीं दूंगा। कोर्ट इन मुद्दों को लेकर एक अभियान शुरू किया गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि हरियाणा के साथ शुरू से अन्याय होता आया है। पहले हरियाणा की अलग राजधानी बनाने का फैसला भी हो गया था, उसके लिए एग्रीमेंट भी हुआ था पंजाब के साथ, लोंगोवाल अकाउंट, लेकिन उसको भी बट्टे खाते में डाल दिया गया। अब बिल्कुल किनारे के ऊपर ये हमारा चंडीगढ़ पड़ता है, तो नारनौल में मैं खुद पोस्टेड रहा हूँ, तो उस ज़माने में तो कोई 12 घंटे लगा करते थे। अब भी हालांकि सड़कें अच्छी हो गई हैं, फिर भी समय काफ़ी लग जाता है और समय के साथ साथ कई बार खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। लोग आते हैं, एक दिन में वापस नहीं जा पाते, तो परेशानी खूब होती है। इसके अलावा कई बार हाई कोर्ट में केस होता है, डेट लग जाती है, तो बेचारा फिर वो पूरा उसका आना जाना 2 दिन का ख़राब हो जाता है। इसके अलावा राजधानी अगर सेंटर में हो और हाई कोर्ट भी वहाँ पर हो तो जनता की सुविधा के लिए ये बड़ा एक बेहतरीन कदम होगा। चौधरी साहब, आप हरियाणा में विभिन्न जिलों में पोस्टेड रहे, आपने हरियाणा का बहुत लंबा अनुभव अपने पास रखा हुआ है। हरियाणा तब हरियाणा जब आप जॉब में थे, आप उच्च पदों तक रहे, शीर्ष पद तक पहुंचे, और आज क्योंकि हाईटेक होता जा रहा है ज़माना, उसके साथ साथ बदलाव आते जा रहे हैं, वर्तमान में जो हरियाणा है उसकी अगर व्याख्या तुलनात्मक करनी हो तो आप कैसे करेंगे? बहुत फर्क हो गया है, हरियाणा का आधुनिकीकरण हो गया है। मेरे पूर्वज चरखी दादरी के थे, उस ज़माने में राजाओं का राज होता था और वहाँ बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, क्योंकि कोई बच्चा पढ़ता तो उसकी पिटाई हुआ करती थी। देश की आज़ादी के बाद और उसके बाद जब हरियाणा बना विशेष तौर से, तो आज देखिए आप हरियाणा के बच्चे IMA में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन परसेंटेज वाइज देखिए तो हरियाणा का है। 2% हम हरियाणा की पॉपुलेशन है और गोल्ड मेडल जीतने में, एशियाड में, ओलंपिक्स में हमारे बच्चों का बड़ा भारी योगदान है। तो बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत तरक्की हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर में, आधारभूत ढांचे में, सड़कें बनी हैं, नहरें बनी हैं। मैं जहाँ पैदाइश थी मेरी भिवानी की, हमारे घरों के पीछे TV होते थे, आजकल वहाँ खेत लहलाते हैं। कई जगह जीरी जिसको आप पैड़ी कहते हैं, चावल की फसल, वो भी हो जाती है। बहुत फ़र्क पड़ा है, खुशहाली आई है और पढ़ाई लिखाई में भी बड़ी तरक्की हुई है। सिविल सर्विसेज में भी रिमोट एरिया तक के लोग, महेंद्रगढ़ के, मैं नारनौल में DC रहा तब, मैंने वहाँ पे लड़कियों का कॉलेज खुलवाया था, आज वहाँ की बच्चियाँ, एक बच्ची IAS में आई है। तो फ़र्क पड़ा है, जैसे जैसे सुविधाओं का विस्तार होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, पावर सप्लाई पहुँचेगी गाँव में और भौतिक सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं जब पहुँचेंगी तो फ़ायदा होता है। हरियाणा में बेशक तरक्की हुई है। अगर हरियाणा के युवा वर्ग का जिक्र किया जाए, पहले पंजाब में ये चर्चा रहती थी, आपने तो ज्वाइंट पंजाब का भी दौर देखा होगा कि यहाँ के युवक बाहर जा रहे हैं, गांव के गांव खाली हो गए, अब हरियाणा में भी यही ट्रेंड है। कहीं ना कहीं जो यहाँ का युवा वर्ग विदेशों में भाग रहा है, इसको लेकर आप कितने चिंतित हैं? ये तो वाकई चिंता का विषय है। वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावले। अभी कोई पिक्चर बनी थी, आपने देखा होगा, डंकी में किस तरह से लोग ओवरप्ले करते हैं अपनी अचीवमेंट्स को और उससे बाकी लोग बहकाए जाते हैं। फिर बीच में ये एजेंट लोगों को बरगला के, उनसे पैसा कमा के और उनको आर्थिक नुकसान पहुँचा के, फिर बेचारे जेलों में पड़े रहते हैं और कोई बोर्ड्स में जाके मर भी जाते हैं, कई पाकिस्तान की जेलों में पड़े होते हैं, कोई अफगानिस्तान की जेलों में पड़ते हैं। बड़ी चिंता का विषय है, इसके बारे में समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। इसका जितना जल्दी प्रचार किया जाए, मीडिया के जरिए, राजनीतिक दलों के जरिए, NGOs के जरिए, समाजसेवी संगठन के जरिए, उतना ही अच्छा रहेगा। बेरोजगारी भी इसका एक कारण माना जा सकता है जो बच्चे बाहर भाग रहे हैं? ऑब्वियसली बेरोजगारी के फिगर्स तो अब सबको पता ही है, भारत सरकार तो रिलीज करती नहीं है।
लेकिन आपको सड़कों पे बेरोजगार घूमते नजर आ जाएंगे, वो समस्या तो है ही। अब आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से रोजगार नहीं बढ़ रहे। हरियाणा में जिस प्रकार से नशा ये बढ़ रहा है, नशे को रोकने के लिए किस प्रकार से प्रशासन को सरकार को कदम उठाने चाहिए? देखिए, सख्ती के बिना नहीं चल सकता काम। जब भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है उसमें बड़े लोगों का हाथ होता है, चाहे वो मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी किसी का नाम नहीं लेना चाहता, इनके आशीर्वाद के बिना इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाइयाँ हो नहीं सकती। तो एक सामाजिक चेतना की ज़रूरत है। बार बार अगर जनता में एक चेतना आएगी तभी जाके लीडर्स में चेतना आएगी। यथा राजा प्रथा यथा प्रजा यथा राजा वाली बात होती है ना। अगर हम लोग ठीक रहेंगे, सही प्रतिनिधि चुनेंगे तो ऑब्वियसली क्वालिटेटिवली फ़र्क पड़ेगा। चौधरी साहब, आप तो भली भांति परिचित हैं क्योंकि आपने हरियाणा के शीर्ष एक तरह से लीडरशिप दी है प्रशासनिक रूप से। हरियाणा में जिस प्रकार से राजधानी का जिक्र करें या सोयल का जिक्र करें या हाईकोर्ट का जिक्र करें, इस पर लगभग जब से हरियाणा बना तभी से राजनीति हो रही है। नहीं, राजनीति तो देखिए राजनीतिक दल तो डिमांड रखेंगे, लेकिन जनरल डिमांड है। इसमें अगर राजनीतिक दल उठाएं या सामाजिक संगठन उठाएं या हमारे जैसे लोग उठाएं तो इसमें क्या बुरा है? पर कई सत्ता मुद्दा तो खड़ा रहेगा, ये मुद्दा तो ज्वलंत मुद्दा है, हमेशा रहेगा जब तक इसका सोल्यूशन कोई नहीं निकाला जाएगा, हल नहीं निकाला जाएगा, मुद्दा तो उठता रहेगा बार बार। चौधरी साहब, इतिहास गवाह है कि 1977-87 ऐसी कई सरकारें इसी वायदे पर आई कि हम सोयल का पानी लाएंगे राजधानी में। कितने साल लगे थे? महात्मा गांधी ने पिछली सदी के 1919 के आसपास चोरा चोरी सत्याग्रह हुआ था, 47 में देश आज़ाद हुआ, और उससे पहले भी 1857 का संग्राम हुआ। तो ये स्लो प्रोसेस है, हिस्टोरिकल चेंजेज एक दिन में नहीं होते, धीरे धीरे प्रयास किया जाता है, उसके बाद ही इतिहास अपनी करवट लेता है, उसके लिए कॉन्स्टेंट प्रयास की ज़रूरत होती है। धन्यवाद। तो ये हैं SC चौधरी जी, हरियाणा के पूर्व चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, और इनका कहना है कि एक प्रोसेस जब चलता है तो उसमें लंबा समय लगता है, और इसी तरह से इसी कड़ी में चलते हुए राजनीतिक दल भी अपने प्रयास करते हैं, सामाजिक संगठनों को भी अपने प्रयास करने चाहिए, तभी हरियाणा को अलग राजधानी अलग हाईकोर्ट मिल पाएगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।